चैनल। सो गाइज, आज मैं अपने फैमिली के साथ बहुत ही प्यारी सी प्लेस में जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। गाइज, आप रोड से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना हरा भरा काली काली रोड। और इस रोड ट्रिप में ही ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और डेस्टिनेशन तो भाई बहुत ही प्यारा था। ये मैं, मेरी माताश्री और मेरे दीदी का बेटा, हम लोग रोड ट्रिप को इंजॉय कर रहे थे, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में, जहां आपको कैमल राइड मिल जाएगी और आपको ये खच्चर राइड भी मिल जाएंगी, और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। गाइज, तो यहाँ पर बन रहे थे, ये बन रहा था कच्चा बेल, बहुत ही टेस्टी यमी और मीठी वाली बेल, जो बहुत लोग इली होती इसलिए नहीं खाते, बट मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मैं खा लेती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी प्लेस है जहाँ मैं गई हूँ। ये है रावणवाड़ी डैम, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और खाने पीने की भी चीज़ें हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड, हॉर्स नहीं खच्चर राइड, और बोटिंग भी आप कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना गाइस शांति मिलती है। सो हम लोग खाना लेके गए थे, और ये जो प्लेस है ना, ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आती है, और मेरे घर से यानी गोंदिया से ये 98 किलोमीटर्स दूर था, 2 घंटे का रास्ता था। और हम लोग सब के सब सोच रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, तो हमें एक फाइनली प्लेस मिल गई, रावणवाड़ी डैम, जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। काफ़ी मज़ा आया, घर से खाना लेके गए थे हम लोग, ने लेके गए थे पुलाव और कढ़ी, जो कि फैमिली ट्रिप में ये नेसेसरी है, ये मैक्सिमम फैमिली ट्रिप में यही खाना जाता है टिफ़िन में। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या लेके जाते हैं। हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने ये दो ही चीज़ लेके गए, बट सच्ची बताऊँ, घर में खाने से अच्छा ना बाहर वहाँ जाके खाने पे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं, और आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड करते हो इतने अच्छे प्लेस पे। फाइनली हम बोट पे बोटिंग कर रहे हैं, हमें फैमिली बोट नहीं मिली, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, तो फिर हम लोग ने पैडल वाली बोट ही ले ली है, जिसमें रेवन बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। और आप नज़ारा देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा नज़ारा था, और ना वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो आप जब भी आप अपने फैमिली के साथ नागपुर जाते हैं, भंडारा जाते हैं, आप 100-200 किलोमीटर दूर रहते इस प्लेस से, आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि गूगल माता आपको सारे रास्ते और इस प्लेस के बारे में जानकारी दे ही देने वाली है, बाय रोड आपको कैसे आना है। सो गाइस, मुझे इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना था कि अगर आप नागपुर भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से है, और आप किसी पिकनिक प्लेस को सर्च कर रहे हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। गाइस, आप अपने फैमिली के साथ जाके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गाइस, हम लोग का प्लान था ना फैमिली के साथ बोटिंग करने का, तो फैमिली बोट भी यहाँ पे अवेलेबल है, पर हमने 2 बार अटेम्प्ट किया, हमें इतनी ज़्यादा वेटिंग का सामना करना पड़ा कि घर वालों का जो एक्साइटमेंट था ना, वो वहीं पे ठेस हो गया। सो इन लोग अभी हम लोग का वीडियो निकाल रहे हैं, मैं इन लोग का वीडियो निकाल रही हूँ, और बस इसी तरीके से हम लोग ने अपना फैमिली टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया। गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको ये व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।